हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड डिफरेंस समझाऊंगी आपको, जो आपके लिए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए बेसिक्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, जिससे आप हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत आसानी से समझ सकते हो। एग्जाम से पहले आपकी रिविजन हो जाएगी। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ESR को बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द फ्री रेडिकल्स, NMR को यूज़ किया जाता है कि उस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, IR को यूज़ किया जाता है कि कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है किसी कंपाउंड का मास पता करने के लिए, एंड मॉसबेअर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है कि उसमें मैग्नेटिक केमिकल बिहेवियर किसी कंपाउंड का क्या है। तो डिफ्रेंसेस देख लेते हैं एक एक करके, जिसे आपको सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेहतर पता चल सकेगा। तो अगर मैं ESR की बात करती हूँ, तो ये ESR जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मीन है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मीन है तो यहाँ पर जो एनर्जी की स्टेट बनेंगी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट से बनेंगी, ठीक है। तो एनर्जी स्टेट क्या होता है, एक एक्साइटर स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, वो एनर्जी की स्टेट्स होती हैं, राइट। तो वो बनेंगी किससे, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट से। सिमिलरली अब जो ट्रांजिशंस होंगी वो किस फ्रिक्वेंसी रीजन्स में होंगी, वो माइक्रोवेव रीजन में होंगी। तो आपको कैसे याद रहेगा कि जो ESR है वो माइक्रोवेव रीजन में होता है। तो अगर ESR में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छोटा सा होता है, माइक्रो वर्ड भी जो हम यूज़ करते हैं वो छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा रीजन जो छोटी चीज़ों को कवर करता हो उस रीजन में हमें मिलती है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर इसमें सप्लिटिंग हो जाती है इनके सिग्नल्स की, उनकी क्या वजह होती है, इलेक्ट्रॉन है कि न्यूक्लियर स्पिन है, दोनों की कपलिंग हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिग्नल्स बन रहे थे वो क्या हो जाएंगे, सप्लिट हो जाएंगे। उसके बाद है ESR एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि ESR सब अब्जॉर्प्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं जी वैल्यू के साथ। कैसे, तो जी NMR में केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ही ESR में जी वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ESR को हम यूज़ करते हैं फ्री रेडिकल को पता करने के लिए। अब आते हैं NMR पर। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक से डील करता है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन आता है, मैग्नेटिक फोर्सेस आती हैं जिससे रेजोनेंस होती हैं। इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसमें जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, ऑब्वियस बात है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट था तो यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशंस होंगी इन स्टेट के बीच में वो कौन सी रीजन में होंगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन्स में। तो इसको अब कैसे याद करना है, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक, अब न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक इतना ज़ोर ज़ोर से अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से आवाज़ आती है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में वो पाए जाते हैं। ये जस्ट एक ट्रिक है इसको याद रखने की, इसका कोई भी साइंटिफिक मैं वे नहीं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में NMR पाया जाता है, जिसमें उसकी ट्रांजिशंस होती हैं। अब आगे आते हैं न्यूक्लियर स्पिन कपलिंग। तो उसमें जो कपलिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन स्पिन की न्यूक्लियर स्पिन के साथ हुई। अब इस केस में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन कपलिंग हुई, मतलब स्पिन की स्पिन के साथ हुई, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन की न्यूक्लियर स्पिन के साथ हो रही थी। तो इस वजह से ऐसी कपलिंग होने के कारण उनमें NMR सिग्नल सेपरेट हो जाती है। NMR अब्जॉर्प्शन जो है उसको हम पोजीशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट से, इसकी पोजीशंस को हम जी वैल्यू से एक्सप्रेस करते थे। तो इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ एंड कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। आगे आते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो होते हैं ओवरटोन बैंड्स, मतलब वो बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नेम होता है ओवरटोन बैंड्स, कॉम्बिनेशन बैंड्स एंड फेर्मी रेजोनेंस बैंड्स। तो इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल एनर्जीज की वजह से ट्रांजिशंस होती हैं। अब जब मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा IR रेडिएशंस को, ट्रांजिशंस होंगी, ट्रांजिशन होने से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एंड इसकी जो ट्रांजिशंस होती हैं, ध्यान से समझिए, विजिबल रीजन एंड माइक्रोवेव के रीजन में जो बिटवीन रीजन रहता है उसमें होती है इनकी ट्रांजिशंस। द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ बॉन्ड देन कपल विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हेंस बाय अब्सॉर्बिंग इट टू द एक्साइटेड टू द हाई लेवल। जैसे जैसे बॉन्ड्स का इलेक्ट्रिकल डाइपोल चेंज होगा वो कपल करेंगे एंड उसमें अब्सॉर्प्शन होगी, जिससे वो एक्साइट कर जाएंगे हायर लेवल पर। तो ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का। सो उसके बाद है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी भी कंपाउंड का मास पता करना है, उसके लिए ये टेक्निक बनाई गई थी। मॉलिक्यूल को बॉम्बार्ड किया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत
एनर्जेटिक हो जाते हैं एंड वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो बॉम्बार्डमेंट जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत एनर्जेटिक वे से एक बीम हम देते हैं, उस बीम से ही मॉलिक्यूल बॉम्बार्ड होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज्ड होगा, ब्रेक होगा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, जिसमें से कुछ जो है वो पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं। अब इसमें जो कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है वो पीको मोलर कंसंट्रेशन ही रिक्वायर होती है। एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होता है सैंपल इनलेट, आयनाइजेशन चैम्बर, मास एनालाइजर एंड डिटेक्टर। एंड इसमें हम डिटर्मिन करते हैं मोलर मास एंड कौन सी ब्रांचेस इसमें अटैच है। आगे हैं मॉसबेअर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, किस वजह से होती हैं, क्योंकि गामा रेज जब अब्सॉर्ब हो जाएंगी देन न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होंगी। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं, इन दिस मेथड न्यूक्लियस अब्सॉर्ब ऑन गामा रे, न्यूक्लियस अब्सॉर्ब हुआ कौन सी रेज में, गामा रेज में, एंड फोटोन अंडरगो ट्रांजिशन, फोटोन की ट्रांजिशंस हो जाती हैं। इट डील विद बोथ द एक्साइटेड एज वेल एज ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज। एक्साइटेड स्टेट में वो कैसे बिहेव कर रहा था एंड ग्राउंड स्टेट में कैसे बिहेव करता, तो इसमें हम ओवरऑल सब पता कर सकते हैं। रिकॉइल न्यूक्लियर अब्सॉर्प्शन ऑफ गामा रेडिएशन, न्यूक्लियर रिकॉइल होता है, कॉइल होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे बांध जाना, जब बन जाएंगे तो दोबारा फिर खुलेंगे, फिर दोबारा होंगे एक दूसरे पर कॉइल होंगे, तो उससे जो अब्सॉर्प्शन होती हैं उसको बोलते हैं रिकॉइल न्यूक्लियर अब्सॉर्प्शन ऑफ गामा रेडिएशन। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड जो ट्रांजिशन को हम करैक्टराइज करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्पिन के क्वांटम नंबर कितना चेंज हो रहा है उससे हम ट्रांजिशंस का आइडिया लगा सकते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। गाइस ये हैं मास जिसमें हम कंपाउंड का मास पता करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ बीम हम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बॉम्बार्ड करता है, जिसे हमें मॉलिक्यूल्स का पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जब वो टूट जाते हैं। तो इसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं जिसको, जिसमें आगे फर्दर पार्ट होते हैं। एंड इस केस में क्या है, इसमें गामा रेस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ये ग्राउंड प्लस एक्साइटर स्टेट से डील करते हैं। एंड इसमें जो है प्रोटॉन जो है वो ट्रांजिशन कर शो करता है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ये डिपेंड होता है। तो अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड डिटेल्स में नोट्स हैं, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, जैसे आपने कोई भी टॉपिक देखना है ESR बाय केमिस्ट्री क्वीन तो आपको ESR का टॉपिक मिल जाएगा, देन NMR बाय केमिस्ट्री क्वीन तो आपको NMR का मिल जाएगा। कोई मिस्टेक हुई हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।